एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम बनाने वाले हैं एक स्नैक्स रेसिपी। आज हम बनाएंगे नमक पारे, जिन्हें आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपका मन हो आप इसे ब्रेकफास्ट में, इवनिंग टी के साथ कभी भी सर्व कर सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं इन्हें बनाना कैसे है। नमक पारे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर मैदा, इसी के साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर आटा। यहाँ मैंने लिया है गेहूँ का आटा। आज जो हम नमक पारे बनाएंगे वो हम दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने लिया है ऑयल, अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम पहले इसको ऑयल के अंदर ही अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको हाथ से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारा ऑयल है और आटा और मैदा है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हमने इसको इस तरीके से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, आप इस तरीके से हम इसको करके देखेंगे तो हमारी ये इस तरीके से मुट्ठी बन जाएगी। ये देखिए, ये बाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा नमक पारे के लिए ये जो आटा है ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगा लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि जो हमें इसका डो लगाना है वो हमें थोड़ा टाइट लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। यहाँ हमने अपना डो लगा दिया है। ये अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि हमारा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ हमारे डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इससे अपने नमक पारे जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ इसमें से हम इस तरीके से थोड़ा सा डो ले लेंगे। यहाँ हमने ऑयल भी रख दिया है गरम करने के लिए। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तब तक हम अपने नमक पारे बेल के तैयार कर लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। यहाँ हमने इसको इस तरीके से बेल लिया है डो को। ये देखिए, हमें इसकी जो थिकनेस है वो इतनी रखनी है। क्या ये फॉक, इससे हम इस तरीके से इसमें होल कर देंगे। हमने इसमें पूरे में फॉक से होल कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। हमने इसको इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से भी काट लेंगे डायमंड शेप में। यहाँ मैंने पिज्जा कटर का यूज किया है। आप चाहें तो आप इसे नाइफ से भी काट के बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ही हमारे नमक पारे फ्राई होने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ हमारा ऑयल भी जो है गर्म हो गया है। इसको हमने लो मीडियम हीट पे किया हुआ है, क्योंकि जो हम नमक पारे फ्राई करेंगे वो हम लो मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे, जिससे कि वो अच्छे से क्रिस्पी हो। यहाँ हमने नमक पारे इसमें डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। ये हमें लो मीडियम हीट पर ही फ्राई करने हैं, ताकि ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और एकदम खस्ता बने। यहाँ हमारे नमक पारे अच्छे से, ये देखिए, एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में, और अपने बाकी के नमक पारे भी हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। ये हमारे नमक पारे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी बने हैं, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।